गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज की इस वीडियो में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। स्टूडेंट्स, पिछली अपनी ग्रामर की वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस क्या होता है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताया था। तो आज ग्रामर की हमारी एक तरीके से दूसरी क्लास होने वाली है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अब क्वेश्चन उठता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? अ वर्ड आर स्पोकन और रिटन टुगेदर इन अ स्पेसिफिक मैनर टू क्रिएट मीनिंगफुल सेंटेंसेस। जो स्टूडेंट्स वर्ड्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं या लिखते हैं एक साथ। व्हाई? टू क्रिएट मीनिंगफुल सेंटेंसेस। आपको पता है, मैंने बताया था, व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सम, यू नो, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, है ना। तो बताया था मैंने आप लोगों को कि सेंटेंस जो है वाक्यों का एक, मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका कंप्लीट मतलब निकलता है, उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं सेंटेंस, ठीक है। तो जब भी हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो हम कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज कैन बी चेंज इन हाउ द वर्ड्स आर अरेंज और यूज। तो अब हम उस सेंटेंस के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं, उस मैसेज को हम चेंज कर सकते हैं अगर उन वर्ड्स को हम, मतलब उनका जो अरेंजमेंट है वो चेंज कर देते हैं, या उनका जो यूज है वो उसको एक कुछ डिफरेंट तरीके से कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे इंग्लिश में नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड स्टूडेंट्स डिटर्मिनर्स। तो दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब कोई भी जब सेंटेंस लिखा होता है तो उसमें हम कोई भी वर्ड अगर उठाएं, पूछें कि भाई ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो इधर इट इज अ नाउन, एडजेक्टिव, और इट मे बी अ प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है। तो इस तरीके से वो इनमें से किसी ना किसी कैटेगरी का मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। जरा इनको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले नाउन क्या होता है स्टूडेंट्स? A noun is a word used to name a person. Noun एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी इंसान का नाम रखने के लिए करते हैं, मतलब किसी भी इंसान का जो नाम है, जैसे सुरेश है, और जो है महात्मा गांधी, ठीक है स्टूडेंट्स, या अमित, मतलब जो भी है, किसी भी इंसान का जो नाम है, that is also that is noun. Then name of a place, किसी जगह का नाम, जैसे न्यू दिल्ली है स्टूडेंट्स, इंडिया, और ठीक है, ये जगह के नाम है। देन नेम ऑफ अ थिंग, किसी भी वस्तु का नाम, जैसे मोबाइल फोन, बुक, ठीक है, पिलो, ये ऑल दीज आर नाउन्स। और आइडिया, ठीक है स्टूडेंट्स, किसी आइडिया का नाम जो है। ऑल वर्ड्स यूज इन अ सेंटेंस एज अ नेम फॉर एनी पर्सन, मैंने बताया किसी भी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी ऑब्जेक्ट का नाम, सारे के सारे किस में आते हैं, नाउन्स के अंदर आते हैं। तो जरा देखिए, द सन शाइन्स ब्राइट, जो सन है वो बहुत तेजी से चमक रहा है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट, जो सन है, सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नाउन, क्योंकि ये नाम दिया हुआ हमने किसी चीज को। देखो जितने भी हम अपने स्टूडेंट्स आसपास चीजें देख सकते हैं, सब नाउन का एग्जाम्पल। चला हम, चाहे हमारे घर में फैन हो, ट्यूबलाइट हो, बेड हो, ठीक है, ब्लैंकेट हो स्टूडेंट्स, है ना, डोर हो, लैपटॉप हो, मतलब ऑल दीज आर नाउन्स। देन इसके अलावा कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं, we talk about them but we cannot, है ना, you know, touch them, we cannot see them, जैसे courage, साहस, ठीक है, honor, सम्मान। तो ये भी है noun का ही example है, ये abstract noun का example है students, ठीक है। तो देखिए, अब ये soldier है, soldier is also a noun। Then students, pronoun, ठीक है, noun के बाद आते हैं pronoun, they are used in place of a noun, है ना, sentences में हम noun की जगह इन pronouns का use करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हम पहले ही किसी नाउन या किसी नाउन को मेंशन कर देते हैं, लेकिन बार बार उस नाउन को मेंशन ना करना पड़े, इसीलिए हम उनकी जगह क्या है स्टूडेंट्स, इन प्रोनाउंस का यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑफन डन इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटिंग द नाउन, है ना, हम प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं बार बार, ताकि हमें वो नाउन दोबारा से इस्तेमाल ना करना पड़े, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे सीता लेफ्ट अर्ली बिकॉज शी वॉज टायर्ड, अब देखिए यहां पर सीता जल्दी चली गई क्योंकि वो टायर्ड थी। अब यहाँ पे अब ऐसा लिखने की बजाय कि सीता लेफ्ट अर्ली बिकॉज सीता वॉज टायर्ड, यहाँ सीता आता है, यहाँ फिर सीता आता, तो बार बार में वो बोरिंग सा हो जाता, रिपीटिंग हो जाता, इस वजह से हमने सीता की बजाय क्या यूज कर दिया है, शी, ठीक है स्टूडेंट्स।
लड़कियों के लिए आप सबको पता है शी का इस्तेमाल होता है। जैसे अर्जुन ब्रॉट द मैंगोज विद हिम, अर्जुन अपने साथ क्या लेके आया, मैंगोज लेके आया। अब यहां पे दोबारा से अर्जुन ना लिखना पड़े तो हमने क्या लिख दिया, हिम लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही डेट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट, वही एक ऑप्शन लेफ्ट था तो उस ऑप्शन को दोबारा मेंशन ना करना पड़े, डेट्स वाई हमने यहाँ पे डेट का इस्तेमाल कर दिया। ऐसे ही समथिंग विल हैव टू बी हैव टू चेंज, है ना, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये जैसे शी है, हिम है, डेट है, समथिंग है। ठीक है, जैसे अभी स्टूडेंट देखिए, ये एक बॉय है, बॉय के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, ही का इस्तेमाल करते हैं। किसका स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं, ही का। गर्ल के लिए हम आपको पता है किसका इस्तेमाल करते हैं, शी का इस्तेमाल करते हैं। और है ना, अपने लिए हम जैसे आई का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, है ना, आई माई मी वी आवर अस, ऑल दीज आर प्रोनाउन स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एडजेक्टिव, हिंदी में इसको हम कहते हैं विशेषण। इट इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, कोई ऐसा शब्द जो नाउन को डिस्क्राइब करे, उसके बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, तो स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एन एक्साइटिंग एडवेंचर, तो ये एडवेंचर कैसा है, एक्साइटिंग है, तो ये वर्ड जो एक्साइटिंग है वो इस एडवेंचर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स अ ग्रीन एप्पल, तो अब ये जो एप्पल है स्टूडेंट्स वो कैसा है, ग्रीन है, तो ये जो ग्रीन जो वर्ड है वो इस एप्पल के बारे में कुछ हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ऐसे हम कहते हैं अ रेड एप्पल, तो रेड जो है, एप्पल कैसा है, रेड। तो मतलब जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो किसी भी नाउन के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे ये रूम स्टूडेंट्स कैसा है, टाइडी है, साफ सुथरा रूम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे नाउन के बारे में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स होता है वर्ब, वर्ब को स्टूडेंट्स हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। जैसे इट डिस्क्राइब्स व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, एक इंसान या एक वस्तु क्या कर रही है या उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना, वो हमें बताती है वर्ब। वर्ब देखो क्या क्या डिस्क्राइब कर सकती है, एक एक्शन को, जैसे कोई जंप कर रहा है, कोई रुक गया है, कोई एक्सप्लोर कर रहा है, कोई रन कर रहा है, कोई जंप कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई इवेंट को, जैसे इट इज स्नोइंग, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, ये बर्फबारी हो रही है, कोई इवेंट कैसा हो रहा है, स्नोइंग, हैपनिंग। ठीक है, किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना, जैसे इट इज कोल्ड, अब ये बी की फॉर्म स्टूडेंट्स इज होता है, तो बाहर ठंड है, इस तरीके से है। चेंज को दर्शाना, जैसे श्रिंक, श्रिंक होता है स्टूडेंट्स सिकुड़ना, कोई चीज सिकुड़ गई है, कोई चीज वाइडन हो गई है, चौड़ी हो गई है, कोई चीज लंबी हो गई है, तो जो वर्ब है स्टूडेंट्स उसमें बताया जाता है कि एक इंसान या एक वस्तु क्या काम कर रही है या उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होती है वर्ब, हमारी क्रिया बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एडवर्ब, ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल होता है कि किस चीज के लिए, टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब, जो हमें वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, किसी एडजेक्टिव के बारे में या किसी अदर एडवर्ब के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स एडवर्ब। ठीक है, इनको स्टूडेंट्स हिंदी में हम कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे दे सैंग लाउडली, है ना, है ना, उन्होंने बहुत लाउडली गाया, कैसे गाया, इस सैंग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है स्टूडेंट्स, लाउडली बता रहा है। ठीक है, शी इज वेरी प्रिटी, वो बहुत सुंदर है, देखिए वो है सुंदर है, तो ये सुंदर होना विशेषता है लड़की की, लेकिन कैसी सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये जो वेरी है वो हमें इस प्रिटी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है स्टूडेंट्स। ऐसे ही राइट्स रियली वेल, ठीक है, वो बहुत अच्छा लिखता है। अब ये जो वेल है वो किसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बात बता रहा है, इस एडवर्ब रियली के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये जो बंदा लिख रहा है बहुत अच्छे तरीके से लिख रहा है। ठीक है, तो एडवर्ब्स जो होती हैं वो है स्टूडेंट्स हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में या किसी दूसरी एडवर्ब के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे प्रेपोजिशन। ये क्या होते हैं, ये ऐसे वर्ड जैसे आफ्टर, इन, टू, ऑन, विद। ठीक है, दे आर यूजुअली यूज इन फ्रंट ऑफ नाउन्स, इनका इस्तेमाल स्टूडेंट जनरली नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है। क्यों किया जाता है, बिकॉज दे शो द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन सेंटेंस, उसी सेंटेंस के अंदर कोई और नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, किसकी, देखो जिस वर्ड से पहले ये जो प्रीपोजिशन वर्ड यूज हुआ है उस नाउन की या उस प्रोनाउन की किसी और वर्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स, ये दर्शाता है हमारा प्रेपोजिशन। ठीक है, जैसे आप देखिए दे डिस्क्राइब, प्रेपोजिशन क्या क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी चीज की पोजीशन, जैसे हर बैग वॉज अंडर द चेयर, उसका जो बैग है चेयर के नीचे था, तो यहां पर बैग की पोजीशन क्या है, देखो यहाँ पे चेयर एक नाउन है,
इससे पहले इस्तेमाल हुआ है अंडर, ये प्रेपोजिशन, ठीक है। इस चेयर का इस बैग के साथ क्या रिलेशन है वो बताया किसने, अंडर ने। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, होपफुली। आगे द डॉग क्रॉल्ड बिटवीन अस, जो डॉग है वो क्रॉल कर रहा है हमारे बीच, अस, ठीक है। अब देखो ये बिटवीन जो है अस और डॉग की रिलेशनशिप को बता रहा है, ठीक है। एंड ले डाउन एट आर फीट, और हमारे फीट पर, हमारे पांव पे लेट गया। नेक्स्ट, इसके अलावा प्रेपोजिशंस और क्या बता सकते हैं, टाइम व्हेन समथिंग हैपेंस, ठीक है। प्रेपोजिशंस का यूज टाइम बताने के लिए भी किया जाता है कि कोई चीज कब हुई है, जैसे दे अराइव्ड ऑन संडे, वो कब आए हैं, संडे को, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ऑन टाइम बता रहा है। ऐसी द क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM, क्लास कितने बजे स्टार्ट होगी, 9 बजे, तो ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रेपोजिशन के बहुत सारे यूज है, इनके बारे में डिटेल में मैं आपको अपने आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। अभी मोटा मोटा जान लीजिए कि प्रेपोजिशन होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा कंजंक्शन, कंजंक्शन को स्टूडेंट्स हम हिंदी में, सॉरी एक और नाम है इसका इंग्लिश में, कनेक्टर्स, जैसे एंड, बिकॉज, बट, फॉर, इफ, और, एंड, व्हेन। स्टूडेंट्स दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस को हिंदी में कनेक्टर भी बोलते हैं, और स्टूडेंट्स कनेक्ट मतलब होता है जोड़ना। दे आर यूज टू कनेक्ट फ्रेजेस, दो फ्रेजेस को जोड़ना, दो क्लॉज को जोड़ना, या दो सेंटेंसेस को जोड़ना, दो वाक्यों को जोड़ना, इनको जोड़ने के लिए, ठीक है, ये जोड़ने का काम करते हैं कंजंक्शंस, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे देखिए, यू कैन हैव आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, या तो आप आइसक्रीम ले सकते हैं या क्या ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। या और ने इनको जोड़ा, ठीक है, इन दो फ्रेजेस को एक तरीके से, ठीक है। आगे ही प्लेज फुटबॉल एंड क्रिकेट, देखिए वह जो है वो क्या है, फुटबॉल खेलता है और क्रिकेट खेलता है। अब यहां पर देखो, ही प्लेज फुटबॉल हम लिखते हैं, फिर दूसरा सेंटेंस लिखते हैं ही प्लेज क्रिकेट, तो अब हमने एक ही सेंटेंस में लिख दिया, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया किसने, एंड ने, ही प्लेज फुटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा होगा होपफुली समझ में। तो जो कंजंक्शन है स्टूडेंट्स, वो दो चीजों को, दो वाक्यों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, उनको हम कहते हैं कंजंक्शन या कनेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एक्सक्लामेशन या इंटरजेक्शंस, ये क्या होते हैं, वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाते हैं। वो इमोशन हमारा सरप्राइज का हो सकता है, प्लेजर, आनंद का हो सकता है, गुस्से का हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो एक्सक्लेमेशंस हैं, दे शो आर सडन स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है। अब दे ऑफन स्टैंड ऑन देयर ओन, इनको किसी की और की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड इन राइटिंग दे आर यूजुअली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और इनके बाद स्टूडेंट्स क्या आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ये वाला मार्क्स आता है स्टूडेंट्स, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो स्टूडेंट्स है इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसे सीधा, और फिर ये ऐसे नीचे ऐसे बना देना, ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेशन मार्क आते हैं, ठीक है। इंटरजेक्शंस के बाद जैसे हाउ वंडरफुल, ओह दैट हर्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा एक्सक्लेमेशन दे आर आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस ग्रीटिंग्स और कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशन देने किसी को, किसी को बधाई देनी हो स्टूडेंट्स, तो भी हम एक्सक्लेमेशंस या इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं। जैसे हेलो, वेल डन लैड्स, ठीक है, तो ये आपको एक्सक्लेमेशन मार्क आप देख ही रहे हो दोनों में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दीज आर इंटरजेक्शंस, दे शो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन है डिटरमिनर, क्या है स्टूडेंट्स, डिटरमिनर्स क्या होते हैं, वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन, ऐसे शब्द जो नाउन को इंट्रोड्यूस करें, जैसे अ बैग, द बैग, एवरी स्टूडेंट, दिस बॉय, दोज गर्ल्स, मैनी कैट्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपने देखे होंगे नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, जैसे देखो अ कैट भी लिख सकते हैं हम, द कैट भी लिख सकते हैं, दिस कैट भी लिख सकते हैं, दोज कैट्स भी, एवरी कैट भी, या मैनी कैट्स भी। तो ये देखिए यहाँ पर कैट जो नाउन है, नाउन से पहले इस्तेमाल होता है डिटरमिनर का, ठीक है स्टूडेंट्स। और डिटरमिनर में देखिए, द डिटरमिनर द, जो दो द आता है, इट इज नोन एज डेफिनेट आर्टिकल, एंड डिटरमिनर ए और एन जो है, दे आर नोन एज इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक पोयम भी है जो रिलेटेड है इनसे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से, एवरी नेम इज अ नाउन, एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन, कोई भी नाम है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो नाउन का एग्जांपल होता है, जैसे फील्ड, फाउंटेन, स्ट्रीट, टाउन, ठीक है। इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स, और मैंने बताया था जो प्रोनाउंस हैं वो स्टैंड करते हैं नाउन की जगह, जैसे ही या शी, ठीक है। एंड द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग, जो एडजेक्टिव्स होते हैं, दे गिव अस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन,
जैसे मैजिकल वॉन्ड, ये वॉन्ड कैसा है, मैजिक वाला है। रिंग कैसी है, ये ब्राइडल वाली रिंग है। इसके अलावा जो वर्ब्स हैं दे मीन एक्शंस, जो है एक्शन बताते हैं, है ना, समथिंग डन, क्या किया। जैसे हम कोई चीज रीड करते हैं, राइट करते हैं, कोई जंप करता है, कोई भागता है। हाउ थिंग्स आर डन द एडवर्ब्स टेल टेल, है ना, एडवर्ब्स हमें क्या बताती हैं, काम कैसे हो रहा है। जैसे कोई स्लोली है, कोई है ना फास्टली है, कोई बैडली है। इसके अलावा प्रेपोजिशन शोज रिलेशन, स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। जैसे इन द स्ट्रीट, गली के अंदर, एट द स्टेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। कंजंक्शन ज्वाइन, और कंजंक्शन क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं बहुत तरीके से। जैसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेज को जोड़ते हैं, ठीक है, या दो फ्रेजेस को जोड़ेंगे स्टूडेंट्स। द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हीड, और जो इंटरजेक्शन हैं स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था, हमारी सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दर्शाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और दे आर फॉलोड बाय एक्सक्लामेटरी मार्क, ठीक है स्टूडेंट, ये एक्सक्लामेटरी मार्क होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है स्टूडेंट्स, बी श्योर टू लीव अ लाइक एंड अ कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी ग्रामर की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज स्टूडेंट्स वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। और जितना ज्यादा हो सके आप ये वीडियोज अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक मेरी इन वीडियोज का बेनिफिट पहुंच सके, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ग्रामर की वीडियो लेके फिर मिलूंगा मैं आपसे, जब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।